हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल रुद्रा इंस्पिरेशन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसी के बारे में। एसी से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल है, अगर आप नया एसी परचेज करना चाहते हो तो गर्मियाँ शुरू होने वाली है, बहुत से लोगों को जो है नया एसी परचेज करना होगा। ऐसे में जो है नए क्वेश्चन दिमाग में उठते हैं कि कौन सा एसी हमारे लिए ठीक रहेगा, कितने टन का एसी हम लें, कितनी स्टार रेटिंग का एसी लें। स्टार रेटिंग के बारे में भी आपको जो है इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। कौन सा एसी ले, विंडो एसी ले, स्प्लिट एसी ले, या फिर इन्वर्टर एसी जो आजकल मार्केट में आए हुए हैं, किस कंपनी का एसी ले, ये सारी बातें आपको जो है इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो छोटी है, ज़्यादा लंबी है नहीं, इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा दोस्तों। और अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। जितने भी नए व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो आगे भी लेके आता रहूँ। और इन्वर्टर और आरओसी रिगार्डिंग भी मैंने जो है वीडियो बनाई हुई है दोस्तों, अगर वो वीडियो भी आप देखना चाहो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। भाई, गर्मी आ गई, कौन सा एसी लूं, स्प्लिट या विंडो, कौन सी कंपनी का लूं, 1 टन लूं या 2 टन लूं या फिर कोई दूसरे टन का, ये टन है क्या? और हाँ, क्या इन्वर्टर एसी बिना लाइट के भी काम करता है? ऐसे कई सारे सवाल आप सभी के मन में मंडराते होंगे, दिमाग घूमता होगा, और सेल्समैन तो तुम्हें हर तरह के ब्रांड दिखा के कंफ्यूज करते होंगे। तो दोस्तों, चिंता मत करो। सबसे पहले शॉर्ट में एसी काम कैसे करता है। तो दोस्तों, एसी रेफ्रिजरेटर की तरह ही काम करता है। बस फर्क इतना है कि रेफ्रिजरेटर अपने अंदर छोटे से एरिया को ठंडा रखता है और एसी पूरे रूम को ठंडा करता है। एक्चुअली में एसी अपने आसपास के हवा के मॉलिक्यूल्स को ठंडा कर देता है, यानी कि एसी गर्म हवा को अपने अंदर लेके ठंडी हवा में ट्रांसफर कर देता है। तो दोस्तों, एसी कौन सा लें? तो भाई, सीधी बात, विंडो और स्प्लिट एसी दोनों ही रूम को ठंडा रखने में सक्षम है। विंडो एसी ओनली उस रूम में लगता है जहां विंडो हो, और स्प्लिट एसी रूम के वॉल पर। विंडो एसी का फ्रंट वाला हिस्सा रूम के अंदर रहता है और पीछे वाला हिस्सा रूम के बाहर। पीछे वाला हिस्सा गर्म हवा को अपने अंदर खींच के ठंडी हवा में कन्वर्ट करके रूम को ठंडा कर देता है। विंडो एसी में प्रॉब्लम ये है कि पीछे से पानी टपकता रहता है। स्प्लिट एसी के साथ कंडेंसर आता है, जो कि घर के या ऑफिस के बाहर बड़े स्पेस में लगता है, जो गर्म हवा को अंदर खींच के ठंडी हवा में कन्वर्ट कर देता है। विंडो एसी सस्ते होते हैं बट आवाज करते हैं, जबकि स्प्लिट एसी महंगे होते हैं और आवाज नहीं करते। वैसे ज़्यादातर विंडो की जगह स्प्लिट एसी की डिमांड ज़्यादा है, बट अगर आप बार बार अपना घर शिफ्ट करते हैं या फिर आप किराए पर रहते हैं, तो ऐसे में विंडो एसी ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एसी इंस्टॉलेशन के लिए यानी एसी को फिट करने के लिए चार्जेस देने पड़ते हैं। जितनी बार आप घर शिफ्ट करोगे, उतनी बार आपको एसी इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, और विंडो एसी इंस्टॉलेशन चार्जेस कम है स्प्लिट एसी इंस्टॉलेशन चार्जेस के मुकाबले। स्प्लिट एसी रूम की सुंदरता को खराब नहीं करते, जबकि विंडो एसी रूम की सुंदरता में बाधा पैदा करते हैं। अब ये टन क्या है? तो भाई, सीधी बात, जितने ज्यादा टन का एसी होगा, उतनी जल्दी वो रूम को ठंडा करेगा। बट ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप रहते कहाँ हैं, यानी कि वहाँ गर्मी कितनी है, रूम का साइज कितना बड़ा है। आप जब भी एसी लो, रूम के साइज के अकॉर्डिंग लो, हो सकता है 1 टन का एसी आपके रूम के लिए फिट हो जाए। अब भाई, एसी कौन से स्टार का लूँ, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार या 4 स्टार? तो भाई, स्टार का मतलब ये नहीं कि एसी ज़्यादा स्टार का होगा तो रूम ज़्यादा ठंडा करेगा। स्टार का मतलब है कि आपका एसी कितनी बिजली खाएगा, यानी जो ज़्यादा स्टार रेटिंग वाला एसी है वो बिजली कम खाएगा, और जो कम स्टार रेटिंग वाला एसी है वो बिजली ज़्यादा खाएगा। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि एसी कितनी देर तक चलता है, 3 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे या 12 घंटे। अब ये इन्वर्टर एसी है क्या? तो इन्वर्टर एसी का यह मतलब नहीं कि ये बिना लाइट के भी काम करेगा। इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता, जबकि नॉर्मल एसी में कंप्रेसर पर ज़्यादा लोड पड़ता है। अगर एसी का ज़्यादा यूज़ करना हो तो ही इन्वर्टर एसी कामयाब है, क्योंकि इन्वर्टर एसी महंगे होते हैं नॉन इन्वर्टर एसी के मुकाबले। अब भाई, कंडेंसर के साथ कॉइल कौन सी लें? तो सीधी बात, कॉपर कॉइल ही लेना, एल्यूमिनियम को साइड रखना, और इनकी हाई मेंटेनेंस भी है। दोस्तों, एसी के साथ स्टेबलाइजर जरूर लेना, अगर नहीं लिया तो एसी खराब हो जाएगा, क्योंकि स्टेबलाइजर वोल्टेज को कंट्रोल करता है। कौन सी कंपनी का एसी लें? तो दोस्तों, सबसे पहले ये देखें, जिस ब्रांड का एसी आप ले रहे हैं
उनके सर्विसेज सेंटर आपके आसपास है या नहीं और कितनी जल्दी सर्विसेज दे रहे हैं, पता लगे गर्मी खत्म होने के बाद एसी आपका ठीक हुआ। तो ये थी वीडियो कौन सा एसी लें। जल्दी से इस वीडियो को शेयर एंड लाइक करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।